मणिपुर एक बार फिर बड़ी हिंसा की चपेट में है। यहाँ जिरीबाम जिले में शनिवार सुबह हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह सो रहा था। वहीं बाद में हुई गोलीबारी में 4 हथियारबंद लोग मारे गए। उन्होंने आगे कहा कि उग्रवादी जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान स्थान पर अकेले रहने वाले व्यक्ति के घर में घुसे और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि हत्या के बाद जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में युद्धरत समुदाय के हथियारबंद लोगों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें 3 पहाड़ी उग्रवादियों सहित 4 हथियारबंद लोगों की मौत हो गई। वहीं मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के 3 बंकर नष्ट कर दिए। पुलिस ने बताया कि बिष्णुपुर में उग्रवादियों के रॉकेट हमले में 1 व्यक्ति की मौत और 6 अन्य के घायल होने के बाद सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की। यह अभियान शुक्रवार को चुराचांदपुर जिले के मुआलसांग और लाइका मुआलसो गांव में चलाया गया। उग्रवादियों ने बिष्णुपुर जिले में 2 जगहों पर लंबी दूरी के रॉकेट दागे। इन हमलों में 1 में बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य नागरिक घायल हो गए। पुलिस दलों और सुरक्षा बलों ने पास के पहाड़ी इलाकों में सघन तलाश अभियान शुरू किया। चुराचांदपुर के मुआलसांग गांव में 2 बंकर और लाइका मुआलसो गांव में 1 बंकर नष्ट कर दिया गया। बिष्णुपुर के पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधिकारी क्षेत्र में पहुंचे तो संदिग्ध उग्रवादियों ने उन पर गोलीबारी की, लेकिन पुलिस दल ने जवाबी कार्रवाई की और उग्रवादियों के हमले को विफल कर दिया। इससे पहले मणिपुर के बिष्णुपुर और इम्फाल पूर्वी जिले के कई इलाकों में कई ड्रोन देखे जाने के बाद लोगों ने शुक्रवार रात अपने घरों की लाइटें बंद कर दी थी। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। इस सप्ताह की शुरुआत में इम्फाल पश्चिमी जिले में 2 स्थान पर लोगों पर बम गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात बिष्णुपुर जिले के नारायणसेना, नामबोल कामबोंग और इम्फाल पूर्वी जिले के पुआखू, थोलाई थाबी, शांतिपुर में कई ड्रोन देखे गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। घबराए ग्रामीणों ने घरों की लाइटें बंद कर दी। एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बल बड़े समूहों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए आसपास के क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर है।